हेलो एवरीवन हाय दोस्तों नमस्कार ये मोस्ट वेलकम एट द इंग्लिश क्लास मैं हूं आपका दोस्त होस पार्थ आइए स्टार्ट करते हैं टूडेज क्लास इज ऑल अबाउट वो कैबलरी जी हाँ दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस राइट एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस में से एक क्लास है वो की देर आर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टू मी कि सर वो होती नहीं है यार और कौन सी वो एग्जाम में आनी है हमें ये भी नहीं पता पड़ता सो आई जस्ट केम ओवर हियर विद दोज ऑल दो जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में आई हुई है या आने की आशंका है ठीक है तो साथ ही साथ इन सब चीजों को लर्न करेंगे और यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड प्लीज राइट योर कॉमेंट्स ऑल ऑन द कॉमेंट बॉक्स ऑफ देयर ठीक है तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए बिना किसी और चीज के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पूरे मस्ती के साथ आर वी रेडी ऑल कमान एवरीबॉडी चलिए तो स्टार्ट करेंगे नंबर वन वोकैबलरी से और देखते हैं कि कौन कौन सी वोकैबलरी ऐसी हैं जो हमने पढ़ रखी हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ रखी तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ ही साथ और एक कॉपी एक पैन लेके जरूर बैठिएगा जी हां एग्जैक्टली यू मस्ट कीप विद योर सेल्फ वन कॉपी एंड वन पेन सो दैट इफ यू हैव टू राइट डाउन समथिंग यू मे राइट डाउन ओवर देयर ठीक है एंड इफ यू हैव टू आस्क मी समथिंग सो यू मे आस्क चलिए सो स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर वन वोकैबलरी से आप सबकी स्क्रीन पर आप सबके लिए ये है नंबर वन वोकेबलरी मेरे साथ पढ़ते जाएंगे मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन भी देखते जाएंगे दोस्तों प्रोनाशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सबके लिए ये ध्यान रखिएगा प्रोना कभी कभी क्या होता है कि हम वोकेब्लरी लर्न कर लेते हैं लेकिन जब हम यूज करते हैं सो so हम उसका गलत प्रोनाशिएशन करते हैं तो उसको प्रोनाउंस करना एक सही वे में वो बहुत जरूरी है ठीक so है सो नंबर वन है कनाइव जी हाँ इसको कनिव मत पढ़िएगा यह है कनाइव सी ओडल एन आई वीई क्या बोलेंगे इसको कनाइव

उसको अपने आप में न लेना भाई असम्मान कर देना पास ओवर करना ग्लॉस ओवर करना टेक नो नोटिस ऑफ उसको अपने संज्ञान में ना लेना वही वाली बात कॉन्स्पायर जी हां षड्यंत्र रचना और इंट्रीक मतलब वही षडयंत्र रचना तो कनाइफ का बेसिक मीनिंग हो गया षडयंत्र से किसी के खिलाफ किसी के लिए षड्यंत्र रचना या फिर क्या साफ साफ सीक्रेटली अलाउ चुपचाप अलाउ करना किसी गलत काम को इस कॉल्ड कनाइफ पार्ट ऑफ स्पीच प्लीज कीप इन योर माइंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज

और आप देख भी सकते हैं वो सब नाउन है। तो भाई यहां पे एक एरिया है जैसे आप देख रहे हैं छू सकते हैं तो वो क्या हो गया नाउन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? चारों कन्फाइन, कन्फाइन मतलब पर आपके लिए हो सकता है नया वर्ड है लेकिन इन सब का मतलब होता है एक एरिया जो कि वॉल से घिरा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है प्रेसेंट नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट है दोस्तों इलिसिट ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा न्यूज़पेपर एरिया आप रीड करते हैं तो आपने डेफिनेट है इसको रीड किया होगा नंबर नेक्स्ट है इलिसिट इलिसिट क्या है भाई इलिसिट एक एडजेक्टिव है सबसे पहली बात इलिसिट क्या है इलिसिट एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में अब यदि हम इसको देखें द फॉरबिडन बाय लॉ रूल्स और कस्टम जो कानून के द्वारा मना किया गया है जिसको कानून के द्वारा अलाउ नहीं किया गया फॉरवर्डिंग का मतलब है अलाउ न करना मना करा देना मना करा देना तो जो कानून के द्वारा मना किया है कोई रूल्स को लेके कोई लॉ को लेके या किसी रीति रिवाज को लेके कानून ने मना कर दिया वही कहलाता है इलिसिट हिंदी में कहते हैं आप अवैध या गैर कानूनी कोई भी चीज जो गैर कानूनी है जो अवैध है वही कहलाएगी इलिसिट ठीक है एडजेक्टिव है सिनोनिम के तौर पे हम क्या कह सकते हैं भाई अनलॉफुल अनलॉफुलट अगेंस्ट द लॉ आउटलॉड या फिर बैंड

So, का है, against the law, जो कानून के against में हो आउटलॉर्ड जो कानून से बाहर हो या बैंड हो जो वो सब कहलाते हैं अवैध, ठीक है? आगे बढ़े दोस्तों मैं हर एक वर्ड को टाइम देता हूं आपके लिए जिससे यह है कि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकें और अपने दिमाग में बैठा सकें नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग नंबर फोर्थ फ्रेंच जी हाँ ये वर्ड बहुत यूज होते हैं पॉलिटी में फ्रिंज एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में यदि आप इसकी बात करेंगे तो ग्रामर में एक नाउन है इसका मतलब होता है द आउटर और मार्जिनल पार्ट ऑफ समथिंग किसी भी चीज का आउटर और मार्जिनल पार्ट मतलब जैसे आप कह सकते हैं लिमिट एक घेराबंदी होती है ना तो वही कहलाता है फ्रिंज वहां तक होना किसी भी चीज का किसी भी चीज का लास्ट पार्ट होना आउटर पार्ट तक होना यही कहलाता है फ्रिंज जैसे सिनेरम के तौर पे आप देखेंगे और समझ जाएंगे इसको लिमिट्स किसी भी चीज की लिमिट सेट कर देना बॉर्डर सेट कर देना किसी भी चीज का घेरा बाउंड आउटस्कर्ट्स या मार्चेस सब सबके मीनिंग होते हैं कि किसी भी चीज की बाउंड्री को सेट कर देना तो बाउंड्री कहलाती है फ्रेंच एम आई क्लियर चलिए नेक्स्ट दोस्तों नंबर फिफ्थ है एफिलियेट द वेरी कॉमन वोकैबलरी एंड आई होप दीबरी एवरीबरी नोज दिस वन and everybody Everybody has has learned this this one one. already. right? listened If not, to dhyan Affiliate ek verb part Part of speech mein, sabse baat. Part of speech speech क्या है तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक्शन ही लिया गया होगा इसमें ठीक है या आप इसका कभी यूज देखेंगे तो ये एक्शन लेने के काम आएगी Affiliate का मतलब क्या होता है ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज जो ऑफिशियली अटैच है या फिर कनेक्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन से यही कहलाता है एफिलिएट कहते हैं ना कि भाई हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट है उनकी कंपनी उस चीज से एफिलिएट है मतलब संबंधित है जुड़ी हुई है किसी चीज से कनेक्ट है ऑफिशियली अटैच है कोई चीज यही कहलाता है एफिलिएट इफ वी लुक एट द सिनोनिम्स देन व्हाट विल वी फाउंड वी विल फाइंड यूनाइटेड किसी के साथ संगठन बना लेना कंबाइन विद किसी के साथ कंबाइन हो जाना जॉइन विद

पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है विसिनिटी को एरिया बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी नाउन नाउ मीनिंग द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस विसिनिटी होता है एक एरिया जो कि बगल का है या सराउंडिंग चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उस प्लेस की जहां आप रहते हैं या किसी भी प्लेस की बात कर रहे हैं वही कहलाता है विसिनिटी तो विसिनिटी को आप सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं चारों ओर का एरिया कहीं भी किसी भी जगह का फिर चाहे आप रहते हैं जहां पे या जहां की भी बात कर रहे हैं विसिनिटी भाई तुम्हारी विसिनिटी तो ऐसी है ऐसी है तुम्हारी सराउंडिंग ऐसी तुम्हारा प्लेस ऐसा है ठीक है के तौर विसिनिटी को हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रीजन क्वार्टर सेक्टर टेरिटरी और डोमेन तो वही सबकी मीनिंग एक ही है किसी का घर जगह डिस्ट्रिक्ट एरिया दोज ऑल आर हैविंग द सेम सेंस ऑफ विसिनिटी एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस फेसिलिटी ठीक है सेवेंथ दो एम्बिट एम बी आई टी इज वैट मीन मीनिंग जानने से पहले आप समझिए कि एम्बिट पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एम्बिट का नाउन ठीक है अब मीनिंग देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई द स्कोप एक्सटेंट और बाउंड ऑफ समथिंग एम्बिट का मतलब क्या हो गया वही अभी हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी चीज की बाउंड्री को सेट कर देना लिमिट्स जो होती हैं वो एम्बिट कहलाती हैं लास्ट एक्सटेंट ये चीज यहां तक है तो जहां तक है वो चीज एम्बिट कहलाएगी उतना होना मतलब द स्कोप स्कोप इसका scope क्या है इसका एरिया कितना बड़ा है इसका एक्सटेंट क्या है लंबाई चौड़ाई क्या है इसको एम्बिट चारों ओर का एरिया सो स्कोप कहिए एक्सटेंट कहिए बाउंड ऑफ समथिंग किसी भी चीज से घिरा हुआ होना इसको एम्बिट कन्फाइन कह सकते हैं के तौर पे हम दोस्तों लिमिट्स कह सकते हैं रेंज एक सबसे प्रॉपर वर्ड है आप इसको रेंज के संग लर्न कर सकते हैं रेंज किसी भी चीज की एम्बिट कहलाती है ब्रेथ जो मैंने आपसे अभी कही लेंथ और ब्रेथ के सेंस में विधायक ऑफ दिस एरिया इज दिस मच ऑफ स्क्वायर फीट तो एम्बिट मतलब द फिर द रेंज द लिमिट्स इज कॉल्ड एम्बिट मूव टू द नेक्स्ट वन नंबर एट नंबर इज ट वायोलेट तो आपने सुना होगा सभी ने वायोलेशन उल्लंघन कर देना किसी भी चीज का तोड़फोड़ मचा देना अतिक्रमण कर देना तहस नहस कर देना कॉल्ड इसट लेकिन यहां पे है इन वायोलेट सो सबसे पहले इन वायलेट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इट वर्क लाइक एन एडजेक्टिव इन वायोलेट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच वर्क लाइक एन एडजेक्टिव ये एक एडजेक्टिव है वर्ट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन फ्री फ्रॉम इंजरी और वायोलेशन भाई जब वायोलेट का मतलब हो गया उल्लंघन करना तोड़फोड़ कर देना तो इन लग गया means जो, जिस चीज़ पे आप ना कर जिस पे अतिक्रमण ना किया जा सके जिसको हार्म ना किया जा सके दिंग और एनी थिंग विच के नॉट बी हार्मल्ड इन वायोलेट तो भाई एड्जेक्टिव है और मीनिंग क्या हो गया फ्री फ्रॉम इंजरी कोई भी चीज जो फ्री है मुक्त है किसी भी इंजुरी से उसको आप हार्म नहीं कर सकते आप उसे इंजर नहीं कर सकते जो वायोलेट ना हो सके सिनेम के तौर पे अनटच जिसको कभी छुआ ना गया हो अनडैमेज जिसको आपने डैमेज ना किया हो या डैमेज ना कर सके अनहर्ट अनहार्म्ड, अनहार्मस्कैथ और अनमैरिड दीज ऑल वोकैबलरी बिलोंग टू द सेम वोकैबलरी इन वायोलेट so guys, just three and four times, and more than times. Basically, you have to recall these kind of things. You have to remember. You have to revise them all in your mind. Then slowly, slowly, you can keep with this pace. So, like you know, on and on forever, right? And one of the most important shortcut of these all vocabulary is try to use them. Once you use them in your own sense, in your own uh, English, then guys, hundred twenty percent. There is no need to mug up these kind of vocabularies. Yeah. 120% दिस कट द मच एंड मोर इंग्लिश यू स्पीक एंड यू यूज दिस काइंड ऑफ वोकेब्लरी इन योर स्पोकन इंग्लिश द मच एंड मोर विल बी इट विल बी ईजियर फॉर यू कि हाँ भाई हम इसको आसानी से यूज कर पाएंगे और इनको दिमाग में रख पाएंगे तो माई हम बल रिक्वेस्ट टू बारी प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड हाउ बाई यूजिंग दैम इन योर सेंटेंसेस ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तों रैशनल r a t i o n a l e रैशनल पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है अब इसका मीनिंग क्या हो गया अ सेट ऑफ रीजंस एक रीजंस का जो कारण होते हैं उनका सेट और अ लॉजिकल बेसिस तो भाई सीधी सी बात है रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल मतलब तर्क संगत कोई भी बात जो आप करते हैं जो कि तर्क संगत है जो कि न्याय पूर्ण है न्याय से भरी हुई है वही कहलाएगा रैशनल अ सेट ऑफ रीजन और अ लॉजिकल बेसिस फॉर कोर्स ऑफ एक्शन और belief, किसी भी के लिए या किसी भी भाई ये सेंस सही है इनसेबल बात, बात है तो सेंस सिद्धांत प्रिंसिपल थ्योरी फिलोसफी या हाइपोथी ये सभी वर्ड एक ही ओर इशारा करते हैं कोई भी चीज का लॉजिकल होना एनीथिंग विच शोज लॉजिकलनेस विच हैज लॉजिकल थिंग इज कॉल्ड रैशनल राइट यू आर अ रैशनल गाय अपने आप में नाउन है ये लेकिन इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं है, तो तुम एक लॉजिकल बंदे हो ठीक है नंबर टेन दोस्तों नंबर टेन है आपका ट्रांसलोकेट इज दैट मीन वेन यू से ट्रांसलोकेट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड यस यू अंडरस्टैंड दोस्तों लोकेट का मतलब क्या होता है

चेंज कन्वर्जन और डेविएशन सबका मतलब एक ही है चेंज करना जब आप किसी भी चीज को चेंज करते हैं तो यही कहलाता है दूसरे प्लेस में मूव करना तो मूव भी आप इसको कह सकते हैं अबाउट तो फेस है? का मतलब होता है कि जो फेस है उसका एक दूसरी ओर फेस होना तो वही ट्रांसलोकेट हो जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेम अल्टर चेंज कर देना कन्वर्जन डेविएशन राइट नंबर इलेवन था पहले शायद अभी भी आता हो तो मुझे पता नहीं लेकिन रिवाइव एक सर्फ की तरह यूज होता है तो रिवाइव का मतलब कपड़ों के लिए यूज किया गया कि जो ऐसे कपड़े जो उनमें जान नहीं है जो मुरझा गए हैं जो बिल्कुल लटक से गए हैं गंदगी उनमें जम गई है

किस ग्रामर के पार्ट की तरह यूज होती है वही होती है पार्ट ऑफ स्पीच तो रिवाइव का मतलब हो गया दोस्तों रिस्टोर करना और रिगेन करना लाइफ को दोबारा किसी भी चीज में जान फूंक देना Synonym के तौर पे ब्रिंग 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 राउंड टू टू लाइफ लाइफ का क्या हो गया जीवन दोबारा वापस देना ब्रिंग बैक लाना ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस वही सेम बात रिपीट हो रही है यहां पर किसी में जान दे देना तो आप इसको री भी कह सकते हैं ठीक है पे शायद नहीं लिखा रीनवेट भी हम इसको कह सकते हैं रिवाइव दोबारा नया करना तो ऐसा नहीं है कि हम इसको रिन्यू कहेंगे, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा नहीं कैन ऑल्सो कॉल कैन कॉल लाइक दोस्तों ट्वेल्व एवरीबडी हैं तो आपने सफारी वर्ड बहुत सुना होगा बहुत, बहुत सुना होगा राइट सफारी एक वर्ड है दोस्तों जो कि स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है अफ्रीकन लेकिन वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है हंटिंग की जाती है वहाँ पे उधर ये वर्ड यूज़ किया जाता है सफारी ठीक है तो सफारी सबसे पहले एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में अब इसका मतलब क्या हो गया एन एक्सपीडिशन द मीनिंग ऑफ एक्सपीडिशन इज जर्नी हम एक्सपीडिशन को क्या बोलते हैं जर्नी जस्ट रिमेंबर जर्नी का मतलब होता है एक्सपीडिशन एक ऐसी जर्नी एक ऐसा अभियान टू ऑब्जर्व जो कि ऑब्जर्व करने के लिए होता है देखने के लिए होता है और शिकार करने के लिए होता है हंट करने के लिए किसका एनिमल्स का इन देयर नेचुरल हैबिटेट कहां पे जहां वो रहते हैं स्पेशली इन ईस्ट अफ्रीका खासकर ये यूज किया जाता है अफ्रीका में राइटर ने क्या कह दिया राइटर ने कहा कि ईस्ट अफ्रीका में जानवरों को देखने के लिए और उनको हंट करने के लिए हंटिंग शिकार करने के लिए जो लोग चीजें अपनाते हैं वो जो उनके नेचुरल हैबिटेट पे वो जानवर जहां रहते हैं जब भी अपने काम करते हैं वो लोग तो वही कहलाता है सफारी मतलब वहां पे यात्रा करना हंटिंग के लिए यात्रा करना या फिर देखने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए यात्रा करना वही कहलाता है सफारी तो सफारी आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ जर्नी एक प्रकार की जर्नी होती है जो कि जानवरों को जानवरों की हंटिंग के लिए या उनके ऑब्जर्वेशन के लिए करी जाती है ठीक है चलिए नंबर नेक्स्ट सर्कम स्पैक्ट वॉट इज दैट मीन सर्कम बच्चों

अलर्ट होना और प्रूडेंट बुद्धिमान होना यही कहलाता है सरकम स्पैक्ट के तौर पे आप कह सकते हैं वेरी गार्डेड ऑन केयरफुल्स गार्ड मतलब सेम सचेत करना किसी की रक्षा करना इस कॉल्ड सरकम स्पैक्ट जिसे आपने कहा कॉशियस ऑफ प्रूडेंट रीन किसी भी वर्ड के आगे री लग जाए तो मतलब उसको दोबारा शक्ति प्रदान करना या कोई काम दोबारा करना तो जब आपने कहा रीइंफोर्स तो मतलब फोर्स का मतलब ही होता है बल रीइंफोर्स मतलब अब मजबूती आपने दे दी अब और बल दे दिया उसमें हनुमान की तरह इज कॉल्ड रीइंफोर्स ठीक है सो रीइंफोर्स पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है सबसे पहला ठीक है और मीनिंग क्या हो गया स्ट्रेंथन किसी को मजबूत करना विद एडिशनल पर्सनल और मटेरियल कोई भी चीज से चाहे वो मिलिट्री फोर्स हो जैसे कि किसी को एडिशनल पर्सनल मटेरियल कोई भी इंसान को प्रोवाइड कराना या हथियार प्रोवाइड कराना है कुछ भी प्रोवाइड कराना इसको रीन फोर्स मतलब दोबारा ताकत भर देना रीन फोर्स सिनेम के तौर पर ब्रेस स्टिफिन टफिन सपोर्ट और होल्डअप दे ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग एंड दैट मीन्स वॉट मजबूती प्रदान करना ठीक है नबर नेक्स्ट आपने एक वर्ड पढ़ा होगा दोस्तों पॉलिटी में सोवरिन और ये सोवरिन पढ़ा है तो सोवरट्री पढ़ा होगा यदि आपने सोवरिन पढ़ा है तो सोवरट्री पढ़ा होगा सोवरिटी क्या होती है दोस्तों सबसे पहला ये नाउन होता है नंबर वन राइट और इसका इसका मतलब मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है है सुप्रीम और एक्सक्लूसिव पावर बहुत ज्यादा शक्ति होना जिस चीज के पास यही कहलाता है संप्रभुता हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको संप्रभुता तो राइटर ने क्या कहा कहावरिंट्री मीन्स सुप्रीम पावर और अथॉरिटी सबसे बड़ी पावर या अथॉरिटी किसी के पास होना यही कहलाता है सोवरटी एम आई क्लियर एवरी वन सो वेन एवर यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टॉकउटी सो यू नो द मीनिंग ऑफ इज कॉल्ड सुप्रीम पावर सबसे बड़ी पावर किसी के हाथ में होना आप सिनेम के तौर पे आप इसे क्या कह, कह सकते हैं भाई सिनेम के तौर पे आप किसे कह सकते हैं इज दैट मीन जूरिस्टिक्शन जूरिस्डिक्शन का मतलब हो गया दोस्तों न्याय सुप्रीमेसी डोमिनियन पावर और एसेंडेंसी आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं सोवरिटी के लिए एस ओ वी जी एन टी वाई मीनिंग ऑफ सोवरिंटी मतलब सुप्रीम पावर बहुत ज्यादा ताकत होना किसी भी चीज को लेके सोवरिटी कहलाता है नेक्स्ट सिक्सटीन है दोस्तों आर्बिट्रेशन ए आर बी आई टी आर ए टी आई ओ एन पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है ये आर्बिट्रेशन

सो so राइटर ने क्या कहा द यूज ऑफ एन आर्बिट्रेटर यूज आर्बिट्रेटर का सेटल करने के लिए किसी विवाद को कहलाता है आर्बिट्रेशन सिरे नियम के तौर पे नेगोशिएशन कंसिलेशन इंटरवेंशन इंटरसीडिंग या इंटरपोजिशन ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे आपके आर्बिट्रेशन के लिए मतलब सुलह करवाना बिचौलियापन करना किसी के बीच में किसी के बीच के विवादों को सुलझाना इसको आर्बिट्रेटर सेवनटीन है दोस्तों intrude पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है intrude की एंड द मीनिंग ऑफ intrude इज कम इन टू अ प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम और अन इनवाइटेड मतलब घुसपैठिया है। कहते हैं ना कि भाई तुम्हें बुलाया किसने जो तुम मूड के चले आए यहाँ पे मतलब शादी हो रही है कहीं और हम जबरदस्ती घुस गए किसी शादी में तो इस कॉल इंट्रूट घुसपैठ कर देना जबरदस्ती घुस जाना किसने बुलाया नहीं आप अनवाइटेड हैं आप इनवाइटेड नहीं है आप अन इन्वाइटेड हैं और आप चले गए कहीं इस कॉल्ड इंट्रूड तो वही कहलाता है इंट्रूजन और इंट्रूड तो के तौर इंटरफेयर करना जबरदस्ती घुस जाना मैस क्रिएट कर देना स्नूप मेडल और इंटरवेन दे ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग इन सब का मतलब सेम है कहीं भी घुस जाना जबरदस्ती की घुसपैठ कर देना ठीक है नंबर नेक्स्ट है दोस्तों इडीन इनहेंस इनहेंस अपने आप में एक वर्ब है सबसे बात। क्या क्या है? है। है? है। अपने आप में एक वर्ब है। पार्ट की क्या है? वर्ब पार्ट ऑफ़ स्पीच जिसका मतलब होता क्वालिटी को इंप्रूव करना वैल्यू करना, करना या एक्सटेंड करना बढ़ाना एक्सटेंड करना सोल आप कह सकते हैं किसी भी चीज को बढ़ावा देना मैग्निफाई एम्प्लीफाई इनफ्लेट और स्ट्रेंथ मजबूती देना बढ़ाना किसी भी चीज को पुष्ट करनाट भी कहते हैं जो भी आ, ये भी सही है और डिटेरियोरेट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है तो डिटेरियोरेट पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना किसी भी चीज में डिक्रीजमेंट होना किसी भी चीज का नाश होना मतलब कोई भी चीज जो डिक्रीज होती है बिकम प्रोग्रेसिव वर्स तो भैया बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स तो वर्स मतलब बैड हो गया कि वर्स क्या है बैड की डिग्री है डिग्री बैड वर्स और तो किसी भी चीज का लगातार गिरते चले जाना तो कोई भी जो ग्राफ है वो ऐसे था और अब वो नीचे चलता चला रहा है तो ये क्या हो रहा है ये हो रहा है डेट्रियोरेट जो नीचे की ओर गिर रहा है लगातार कंटिन्यूसली सिनेम के तौर पे आप क्या कह सकते हैं इसको डिजेनरेट डिके कोलैप्स फेल फॉल ड्रॉप एंड सिंक सबका मतलब एक ही है डूब जाना गिर जाना क्षय हो जाना नाश हो जाना किसी भी चीज का इज कॉल्ड वन एंड ओनली डेट्रियोरेट डीई टी ई आर आई ओ आर आरई टीई क्लियर एवरीबॉडी बारे चलिए नंबर नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी है प्रोवोक P R O V O K E the very simple word provoke means भड़काना किसी को para speeches की क्या है verb है अपने आप में it means deliberately annoy or anger किसी को जानबूझ के नाराज करना या गुस्सा कर देना is called provoke आपने किसी को नाराज कर दिया आपने किसी को गुस्सा कर दिया is called provoke कर दिया आपने उसको synonym के तौर पे evoke cause give rise to occasion या call forth मतलब वही वाली बात हो गई आपने जान के किसी को नाराज कर देना किसी को भड़का देना आपने किसी सीधे साधे इंसान को भड़का दिया इट मीन यू प्रोवोक हेम और हर राइट नेक्स्ट है दोस्तों बोलस्टर वर्ड इज द मीनिंग ऑफ बोलस्टर सबसे पहले मीनिंग से पहले हम करेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है मतलब होता है सपोर्ट करना हेल्प करना और मजबूती प्रदान करना किसी को कहलाता है बोलस्टर सिनेम के तौर पर प्रॉप अप शोरअप होल्डअप and maintain they all are having the same meaning which shows to give strength to something or to uh, to support someone to help someone to aid someone right impertinent those two impertinent part of a speech a an adjective. impertinent key and the meaning of impertinent is rude or insolent baha assist asistona एक व्यक्ति जो बहुत अपमान करे किसी का यही कहलाता है इंपर्टिनेंट जैसे आप हिंदी में कहते हैं ढीट अ पर्सन हु इज वेरी हुईट अ पर्सन हु इज वेरी स्टबन रूड इज कॉल्ड इंपर्टिनेंट सिनोनिम के तौर पे स्टबन कैलस आप इसे हार्ड के नाम से भी जान सकते हैं इंसोलेंट और रूड राइट ट्वेंटी थ्री है दोस्तों पेजोरेटिव पीई जे ओ आर ए टी आई वी पेजोरेटिव

Who someone, जो किसी का अपमान कर रहा है तो वो क्या कर रहा है That is pejorative sense. तो पेजोरेटिव तो एक एक है तो भैया क्या होगा जैसे पेजोरेटिव सेंस पेजोरेटिव बिहेवियर पेजोरेटिव एटीट्यूड यह एडजेक्टिव के तौर पर लगेगा ठीक है ट्वेंटी फोर है दोस्तों मल्टीफेरियस किसी भी वर्ड के आगे मल्टी लग गया सो यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ मल्टी इज जो बहुत सारी चीजों को दिखाई जो अनेक चीजों को दिखाता है वही कहलाता है मल्टी सो मल्टीफेरियस कह दिया आपने हैविंग मेनी डिफरेंट पार्ट एलिमेंट्स फॉर्म्स एक्सेट्रा जो किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पार्ट रखता हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखता हो अनेक रखना तो अनेकों अनेक चीजों को कहते हैं आप लोग मल्टीफेरियस जस्ट अ सेकेंड दाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीफेरियस वेन एवर यू हैविंग मेनी डिफरेंट पार्ट एलिमेंट्स फॉर्म्स एटसेट्रा जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत सारे चीजों को रखते हैं और बहुत सारे पार्ट देखते हैं तो मल्टीफेरियस कहलाता है तो हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट एलिमेंट्स फॉर्म्स एटसेट्रा सिम के तौर पर आप कह सकते हैं मल्टीपल न्यूमरस असोल्टेड डायवर्सिफाइड और वेरियस बहुत सारी चीजों का होना अनेक मेनी चीजों का होना मेनी पार्ट्स होना इज कॉल्ड मल्टीफेरियस and the last vocabulary for today is inveterate i n v e t e r a -E t e inveterate dosto and the meaning of inveterate sabse pehla part of speech is ki adjective hai inveterate jo hai part of speech mein kya hai ek adjective hai having a particular habit kisi bhi prakar ki particular habit rakhna activity karna aur interest रखना that is long established जो काफी समय पहले से चला आ रहा है वही कहलाता है इनवेटरेट

ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज और करेंगे केवल करना ही महत्वपूर्ण नहीं आपको इसकी एक एक्सरसाइज एक भी करनी है तो ये आपका होमवर्क है This one is a homework, ये मैं आपको दे रहा हूं जो मैंने आज वोकैबलरी पढ़ाई है पढ़ा था सोनाइव इलिसिट विसिनिटी इन वेट्रेट और पेजोरेटिव इनके मीनिंग क्या होने चाहिए इसमें राइट right? वीडियो को आप एक बार पॉज कर लें स्क्रीन yes, शॉट ले लें और इसका आंसर मुझे लिखे नीचे मैं आपको तो पहले आप मुझे से में लिख के भेज देंगे और फिर आप इसको करेंगे कि आपके कितनी वोकेबलरी सही थी जो आपने लर्न कर ली या जब लर्न कर लें तब आप एक्सरसाइज करेंगे ठीक है ठीक, कर लेंगे इसको और फिर करना चालू करेंगे चलिए मैं बता देता हूं आंसर इसके आप सबसे पहला हमने पढ़ा था दोस्तों कनाइफ का मतलब होता है षड़यंत्र रचना किसी के लिए इंट्रीग जिसे आप कहते हैं तो हमने इसकी इंट्रीबलरी में एक वर्ड पढ़ा था इंट्रीग right? राइट कोई भी doing, भी डूइंग किसी गलत काम को बढ़ावा देना तो वही होता है इंट्रीग और इनमें इसका चला जाएगा एफ एफ इज द राइट आंसर कॉन्स्पायर मतलब किसी को आ, किसी के संग गलत आ, काम करना किसी को गलत राह दिखा देना षडयंत्र रच देना Illicit, हम लोगों ने देखा था अनलॉफुल कोई भी चीज जो कि गलत है अवैध है गैर कानूनी है अनलॉफुल ई इज द राइट आंसर कहलाता है जिसे हमने पढ़ा था रीजन के नाम से कोई भी रीजन राइट right? कोई भी प्लेस होना सराउंडिंग होना इसको विसिनिटी जिसे आप कह सकते हैं रीजन ए अच्छा रीजन यहां पे दे रखा था राइट right? हमने इसको डोमेन के नाम से भी पढ़ा था राइट एवरीबॉडी नंबर नेक्स्ट है इनवायलेट इनवायलेट वायलेट मतलब जो हर्ट करे किसी को इनवायलेट जो हर्ट ना करे जो किसी के संग गलत काम ना करे इनवायलेट तो हम कह सकते हैं इसको बी अनहर्ट राइट इनवायलेट अतिक्रमण ना करना इनवेटरेट अभी भी हमने लास्ट वाला पढ़ा था इनवेटरेट जो लंबे समय से चला हुआ आ रहा हो पर्सिस्टेंट जिसे आप कहते हैं हम लोगों ने इसका एक वर्ड पढ़ा था पर्सिस्टेंट और परसिस्टेंट के सेंस में हम कह सकते हैं क्रोनिक डी इज द राइट आंसर कोई भी चीज जो क्रोनिक है जो लंबी है ठीक है एंड द लास्ट दोस्तों पेजोरेटिव पेजोरेटिव का हमने मतलब पढ़ा था इंसल्टिंग अपमानित पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता मेरे कितने दोस्तों को ध्यान है ये कि हमने इसका इंसल्टिंग पढ़ा था यदि आपको ये ध्यान है तो आपको ये भी ध्यान होगा कि डेरोगेटरी इसका सही मतलब होगा राइट right? सो so, ये कितनी वोकैबुलरी थी ये थी सिक्स और आपको मुझे लिख के बताना है कि आउट ऑफ सिक्स आपके कितने मार्क्स आए हैं जस्ट प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन पुश आर जर्नी वी कैन पुश आर स्ट्रेंथ वी कैन पुश आर इफेक्टिव स्टडी टुवर्ड्स टूवर्ड्स द गुड थिंग्स राइट सो दिस इज वॉट ऑल फॉर टुडे आई होप दैट यू लव दिस वन गाइस यदि आपको पसंद आया तो मुझे जरूर लिखिएगा सो थैंक यू फॉर टुडे टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ डोन्ट फॉर्गेट टू मिस मी स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ ठीक है नमस्कार